फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर 6 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें अभी कुछ समय पहले मेकर्स ने भूल भुलैया 3 के टीजर को रिलीज किया था जिसे ऑडियंस का मिक्स रिव्यू मिला था। तो अब कहा जा रहा है कि अपने इस फिल्म की हाइप बनाने के लिए मेकर इसके ट्रेलर को 6 अक्टूबर को रिलीज करने वाले हैं। और वहीं भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है जिसके नॉन थिएटरल राइट्स को 136 करोड़ में बेचा गया है। तो अब देखना होगा कि डायरेक्टर अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी फिल्म भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। अरे एक नंबर की डायन है वो, भूतनी चुड़ैल वैम्पायर, खून देखते ही आ जाती है। और वहीं बात करें दूसरी बड़ी अपडेट की तो कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन के मेकर सिंघम अगेन के ट्रेलर को पोस्टपोन कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि सिंघम अगेन के मेकर्स इसके ट्रेलर को 3 अक्टूबर को रिलीज करने वाले हैं, पर अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन का ट्रेलर हमें 3 अक्टूबर को नहीं बल्कि 7 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि सिंघम अगेन के ट्रेलर को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें डायरेक्टर रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पॉप यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है जो हमें 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। हंसल मेहता की आने वाली ड्रामा सीरीज गांधी में एआर रहमान का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। आपको बता दें गांधी सीरीज की स्टोरी रामचंद्र गुहा की नॉवल गांधी बिफोर इंडिया गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड इसके ऊपर बेस होने वाली है जिसमें हमें प्रतीक गांधी गांधी के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। अभी तक इस सीरीज की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है। तो देखना होगा कि गांधी सीरीज की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक की जाती है। लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की मच अवेटेड कैथी 2 को लेकर कहा जा रही कि कैथी 2 के मेकर्स ने इसके प्री प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया है। और वहीं मेकर्स इस फिल्म की प्रॉपर शूटिंग अप्रैल 2025 से स्टार्ट करेंगे जिसे लगभग 50 दिनों के शेड्यूल में कंप्लीट किया जाएगा। कार्तिक को छोड़कर अभी तक इस फिल्म की बाकी कास्ट को रिवील नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि सूर्या का कैरेक्टर रोलेक्स हमें कैथी 2 में देखने को मिलेगा। आपको बता दें अभी डायरेक्टर लोकेश कनगराज रजनीकांत की फिल्म कुली के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्टर लोकेश कनगराज कार्तिक की फिल्म कैथी 2 के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे और ज्यादा चांसेस है कि कैथी 2 हमें 2025 के लास्ट क्वार्टर या 2026 में देखने को मिले। वैसे आप एलसीयू की आने वाली कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है हमें कमेंट में बताएं। शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले करने वाले मुकेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि रणवीर सिंह ने शक्तिमान को लेकर उनसे मुलाकात की जहां पर रणवीर सिंह ने लगातार 3 घंटों तक शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले करने के लिए उन्हें कन्विंस किया और मुकेश खन्ना ने साफ तरीके से मना कर दिया। और उन्होंने रणवीर सिंह को बताया कि शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो रणवीर सिंह के फेस पर नहीं दिखती और रणवीर सिंह शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले न करे इसका मेजर कारण उनका न्यूड फोटो शूट। शक्तिमान की फिल्म को अनाउंस हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और अभी तक मेकर्स द्वारा इस फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर को फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो देखना होगा कि क्या फ्यूचर में हमें शक्तिमान को लेकर कोई अपडेट देखने को मिलती है। भूषण कुमार एक बार फिर से गुलशन कुमार के बायोपिक के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। आपको बता दें मेकर्स ने इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2017 में की थी जिसे मेकर्स अक्षय कुमार के साथ मिलकर मोगुल नाम से बनाने वाले थे और वहीं इस फिल्म को डायरेक्टर सुभाष कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, पर अक्षय कुमार और मेकर्स के बीच क्रिएटिव डिफरेंस आने की वजह से अक्षय कुमार ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। पर अब कहा जा रहा है कि भूषण कुमार एक बार फिर से इस फिल्म के ऊपर काम स्टार्ट कर रहे हैं जहां कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की कहानी के ऊपर दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे और इस फिल्म के लिए भूषण कुमार रणवीर कपूर आयुष्मान खुराना और वरुण धवन से बात कर रहे हैं। तो जैसे इस फिल्म की कहानी कम्प्लीट होती है और इस फिल्म के लिए एक्टर और डायरेक्टर फाइनलाइज होते हैं मेकर्स इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रभास की आने वाली फिल्म फौजी से मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए मिथुन चक्रवर्ती को बधाई दी है। आपको बता दें प्रभास की ये फिल्म एक पीरियड एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर हनु राघोपुरी डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें प्रभास के साथ इमानवी जयप्रदा और मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में देखने को मिलेंगे और ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। एक नई पैन इंडिया फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है जिसका टाइटल है फनी। आप यहां पर इसके फर्स्ट लुक पोस्टर को देख सकते हैं। आपको बता दें ये फिल्म एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर वीएन आदित्य ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें कैथरीन टेरेसा लीड रोल में देखने को मिलेंगी। अभी तक इस फिल्म को लेकर ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमें इस फिल्म को लेकर कई बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगी।
सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म द टेन के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें, रजनीकांत की यह फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर टीजे गनावेल ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन, मंजू वारियर, रितिका सिंह, दुसारा विजन, फहाद फासिल और राणा दग्गुबती जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और वहीं इस फिल्म की स्टोरी एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के इर्द गिर्द होने वाली है, जिसमें हमें सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर से पुलिस वाले के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो द टेन का ट्रेलर देखने में ठीक ठाक सा लग रहा है, जिसमें हमें एक्शन और थ्रिलर से भरी एक स्टोरी देखने को मिलती है। तो देखना होगा कि सुपरस्टार रजनीकांत की ये फिल्म कैसी होती है। आपको बता दें, वेटेन 10 अक्टूबर से तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। भले ही आप मुझे किसी भी पोस्ट से निकाल दीजिए, मैं वही पुलिस वाला रहूंगा। अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।